इस कदर ऐशे मोहब्बत पे न खुश हो कि तुझे दूसरे इश्क में नुकसान उठाना पड़ जाए। यूं ना हो बोल पड़ूं मैं तेरी खामोशी पे, यूं ना हो बोल पड़ूं मैं तेरी खामोशी पर और तुझे बज्म से मेहमान उठाना पड़ जाए। आदाब, जमाल एहसानी के ये दो शेर आपकी नज़र किए, आज उन्हीं की एक गज़ल मुंतखब की है आपकी गोश गुजार करने के लिए। बड़ा एक अछूता अंदाज इनका रहा है, अल्लाह करी के रहमत करे। कहते हैं कि इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम सभी के एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं जाके मिलते ज़रूर हैं। जैसे रेल की पटरियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन किसी जंक्शन पे या किसी और ऐसी जगह पे जाके वो हम देखते हैं कि क्रॉस हो रही होती है। तो खैर, कहते हैं कि इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। और कुंजियां खानाए हमसाया की रखते क्यों हो, कुंजियां खानाए हमसाया की रखते क्यों हो अपने, जब घर की हिफाजत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कारे मोहब्बत और कुछ, शेर सुनिएगा कि कुछ तो मुश्किल है बहुत कारे मोहब्बत और कुछ यार लोगों से मुशक्कत नहीं की जा सकती। दायरे याद को कम था शजरे दिल, वरना बेसबब तर्क सकूनत नहीं की जा सकती। एक सफर में कोई दो बार नहीं लुट सकता। क्या अच्छा शेर है कि एक सफर में कोई दो बार नहीं लुट सकता, अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। और कोई हो भी तो जरा चाहने वाला तेरा, ये अच्छा, कोई हो भी तो जरा चाहने वाला तेरा, राह चलतों से रकाबत नहीं की जा सकती। आसमां पर भी जहां लोग झगड़ते हो जहां जमाल, आसमां पर भी जहां लोग झगड़ते हो जमाल, उस जमी के लिए हिजरत नहीं की जा सकती।